नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ 53। इकरा बसमी सीटीआई इंस्टीट्यूट की जानिब से आज हुसैनी आलम कोका बाज़ार में वुमेन्स राइट्स एंड ड्यूटीज़ इन इस्लाम, इस्लाम में औरतों के हुकूक और जिम्मेदारियों के ताल्लुक से पब्लिक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें खवातीन और स्टूडेंट्स ने शिरकत की। इस मौके पर सैयदा अकीला खामोशी, मेम्बर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ने खिताब किया। आइए डालते हैं आगे की तफसीलात पर नजर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ पर सिटी इंस्टीट्यूट की जानिब से हाफिज अब्दुल शुकूर साहब की निगरानी में एक खवातीन के एक बहुत बड़े प्रोग्राम का इतखाद अमल में लाया गया, जो कि मौजूदा दौर में जो खवातीन को लेकर मसाइल पैदा किए जा रहे हैं या फिर एतराज़ किया जाता है खवातीन के मसाइल को लेकर, उसके जीवन में खवातीन के अंदर एक शऊर बेदारी के लिए ये गैदरिंग रखी गई थी, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही रखी गई थी। खवातीन बड़ी तादाद में शरीक रहीं और इस उनवान पर उन्होंने सुना और ये अज़्म किया कि आइंदा से वो जो भी खुराफात हैं, यानी कि गैर ज़रूरी रसूम और रिवाज के जाल में जो लोग फंसकर आज अपने आप को मसाइब में परेशानी में मुब्तला कर रहे हैं, उसको छोड़कर इस्लामी तालीमात के मुताबिक अपने घर के काम करेंगे और बिलखसूस लड़कियों या लड़कों के शादियों के वक्त भी इस्लामी तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए ये काम करेंगे और अपने आप को परेशानियों से बचाकर सुकून और अमन और इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस बात का भी यहाँ पर खवातीन ने प्लेज लिया, अहद लिया कि इंशाल्लाह आइंदा को इस्लामी तरीके से अपने घरों के माहौल को ढालने की कोशिश करेंगे। जैसा ये माहौल बना हुआ है, जहेज के वास्ते लोग सुसाइड कर रहे हैं बच्चियाँ, उसके बारे में आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जहेज के बारे में सुसाइड कर रहे हैं तो एक बात तो पहली ये चीज़ है कि ये रस्म को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है और इसके पीछे इंसान का मादा परस्ती का रुझान है, यानी कि दुनिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होकर दूसरे इंसान की तकलीफ का एहसास इंसान को नहीं हो रहा है। लड़की के माँ बाप की तकलीफ का एहसास लड़के वालों के माँ बाप को नहीं होता है और मुसलसिल डिमांड का एक सिलसिला चल रहा है जो कि बहुत ही गैर ज़रूरी है। और ये बात आप बहुत ज़्यादा वाज़े अपने उससे बता दीजिए चैनल के ज़रिए कि तमाम मसालिक के उलमा ने जहेज के तलब करने को हराम करार दिया है। जहेज तलब करना हराम है। जिस तरीके से एक मुसलमान के लिए खिंजीर का गोश्त यानी कि सुअर का गोश्त खाना हराम है, जिस तरीके से कि शराब पीना हराम है, जिस तरीके से सूद खाना हराम है, उसी तरीके से मिन रहे तुम अल्लाह की इताअत करने वाले रहें तो दुनिया की तकालीफ से परेशान होकर लड़कियों को खुदकुशी नहीं करनी चाहिए। और माँ बाप को भी चाहिए कि जब उनकी लड़कियाँ आकर शौहर या ससुराल वालों की शिकायत करते हैं तो सिर्फ उनको समझा बुझा कर फिर भेज देते हैं, कुछ पैसे देकर भेज देते हैं, बेटी चले जाओ आइंदा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। मामलात की गहराई को समझना चाहिए और साहिब फहम जो लोग होते हैं, अक्लमंद जो लोग होते हैं, उनसे रुजू कर मशवरा हासिल करना चाहिए। किस हद तक सब्र किया जा सकता है ये बात को समझना चाहिए। हर चीज़ के एक लिमिट्स हैं, सब्र के भी एक लिमिट होते हैं, बर्दाश्त के भी एक लिमिट होते हैं। सब्र अच्छी चीज़ है लेकिन कब तक ये सब्र करना है, कब तक इसको बर्दाश्त करना है? इतना नहीं करना है कि बच्ची बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और बच्ची खुदकुशी कर रही है तो ये उसको वहाँ पर जाकर मुसलसिल प्रेशर जो बनाया जाता है कि जाओ तुम्हारी जिंदगी वहीं पर है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है, ये इस्लाम का तस्वुर नहीं है। बच्ची का रिश्ता अपने घर के साथ, अपने माँ बाप के साथ बराबर बरकरार रहता है, उसका हक है। वो अगर आती है तो उसके बाप को, उसके भाई को चाहिए कि उसको टेक केयर करे। मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमक
रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बतारीख 20 मार्च 2021 को जलसे आम बउनवान इस्लाम में खवातीन के फराइज व हुकूक ज़ेहर एहतमाम इकरा बिस्मी सीटीआई इंस्टीट्यूट हुसैनी आलम मुकर्रर था। इस इजलास को जनाब मोहतरमा सईदा अकीला खामोशी साहिबा रुकन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड व सदर तंजीम बिनतेरम हैदराबाद मुखातिब फरमाई। अल्हम्दुलिल्लाह इस जलसे को कामयाबी से हमकिनार कराए अल्लाह ताला, और मैं तमाम से शुक्रिया अदा करता हूँ, बिलखलूस अहलियान मोहल्ला मेरे तमाम भाइयों और बहनों से जो इस जलसे को कामयाब बनाने में हमारी मदद फरमाया और जो इस जलसे में शिरकत किए, और तमाम अहलियान मोहल्ला से बिल्कुलूस पड़ोस से और हमारे तलबा से तमाम से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस जलसे को कामयाब करने में आप सबका जो है साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।